Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhar Hayat, Advocate High Court. A professional, I am practicing as Cyber Crimes Lawyer of Pakistan and also a visiting lecturer for Law and Judiciary. Dear students, आज का जो हमारा lecture है ये बहुत ज़्यादा important है, especially उन लोगों के लिए जो province पंजाब में रहकर अपना ADPP और DDPP, Assistant District Public Prosecutor, Deputy District Public Prosecutor के examinations देना चाहते हैं. उनके लिए आज का लेक्चर है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एक्चुअली कितने पेपर्स हैं, आपको कितने मार्क्स चाहिए और उन मार्क्स में से कितनी परसेंटेज पे आप पास हो सकते हैं, कितने मार्क्स नीचे आप फेल हो सकते हैं, और जब आपके नंबर आ जाएंगे तो फिर आपको मेरिट में जाने के लिए, मेरिट में क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी. आपके सारे सवालों के जवाब इस लेक्चर में मौजूद हैं. तो आइए हम देखते हैं एडीपीपी एंड डीडीपीपी पासिंग क्राइटेरिया. जी, एडीपीपी डीडीपीपी के चार पेपर्स हैं. पहला पेपर है क्रिमिनल लॉ 1 प्रोसीजर, जो कि 150 नंबर का पेपर है. ठीक है जी, इसमें 125 नंबर का सब्जेक्टिव है और 25 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है. क्रिमिनल लॉ 200, ये भी 100 नंबर का पेपर है, पीपीसी. नंबर 3 एविडेंस क्यूएसओ, ये भी 100 नंबर का पेपर है और 50 नंबर की इंग्लिश. तो ये टोटल आपके हो गए 400 नंबर्स. अब पीपीएससी ने दो कंडीशंस लगाई हैं. अगर आप दो कंडीशंस पूरी करते हैं तो फिर आप रिटर्न में पास होंगे. वो दो कंडीशंस कौन सी हैं हम देखते हैं. एक कंडीशन तो पीपीसी ने आपको, पीपीएससी का मतलब ये है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन. चूंकि इस पोस्ट का एग्जामिनेशन आपसे लेना है पीपीएससी ने, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एड में ये हमेशा मेंशन किया है कि इतने नंबर हैं, इतने मार्क्स हैं, और आपको क्वालिफाई करने के लिए, सबसे पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए जो नंबर्स चाहिए उसकी दो कंडीशन है. पहली कंडीशन तो ये है कि हर पेपर में से आपको 40% मार्क्स चाहिए. जिस तरह से ये 150 मार्क्स का है तो इसके 40% बनेंगे 60 मार्क्स, 100 के 40% 40 मार्क्स, 100 के 40% 40 मार्क्स, ये टोटल मिल जाएंगे, और 50 के 40% 20 मार्क्स. इसको अगर आप जमा करें 60 40 100 40 तो ये बन गए 160. लेकिन आपको 160 नहीं लेने, ये तो जस्ट आपकी एक कंडीशन है पीपीएससी ने आपको दी है कि हर पेपर को पास करना जरूरी है, और हर पेपर को पास करने के लिए इंडिविजुअली सेपरेट चारों पेपर को पास करने के लिए एट लीस्ट आपको 40% मार्क्स चाहिए. 40 नंबर नहीं चाहिए, 40 नंबर नहीं चाहिए, बल्कि 40% चाहिए टोटल मार्क्स का हर पेपर में से. अब यह पेपर 150 नंबर का है तो इसमें से 40% चाहिए. ये 100 नंबर का है तो इसमें से 40%, ये 50 नंबर का है तो इसमें से 40%. ये तो पहली कंडीशन होगी उनको ईच पेपर को पास करने की 40%. ठीक है, ये कम से कम मार्क्स हैं जो आपको चाहिए. 60 इस पेपर को पास करने के लिए, सिर्फ एक पेपर इसको पास करने के लिए 60 नंबर चाहिए, इसको पास करने के लिए 40 40 20. अब दूसरी कंडीशन पीपीएससी ने आपके लिए यह लगाई है कि आपको ईच पेपर को पास करने के लिए 40% और ओवरऑल चारों पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए, रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए. रिटर्न के टोटल मार्क्स का 50%, जो के बनता है 200, टोटल 400 मार्क्स हैं, तो इसका 50% कितना बन गया, 200. ठीक है जी, तो आपको फिर ये 60 60 तो एट लीस्ट जस्ट एक पेपर को इंडिविजुअली हर पेपर को पास करने के लिए, लेकिन टोटल जब ये आपका करें चारों पेपर्स का तो वो 200 आना चाहिए, 160 नहीं आना चाहिए. अब 200 आपने कैसे हासिल करने हैं कि आपने इनमें से ज्यादा नंबर लेने हैं. ठीक है, सपोज दैट आप 10-10 नंबर इंक्रीज करते जाएं तो फिर आपके जाके 200 नंबर पूरा हो जाता है. 160 है ना जी, तो 40 नंबर कम है, 40 आपको चाहिए इन चारों पेपर में से. ठीक है, वो 40 चाहे आप जहां 20 इंक्रीज कर लें, यहां 2 इंक्रीज कर लें, यहां 3 इंक्रीज कर लें, यहां 1 नंबर इंक्रीज कर लें, यहां पे 15 इंक्रीज कर लें, यहां पे 20 इंक्रीज कर लें, जैसे भी करें, आपको एडिशनल जो है 40 मार्क्स आपको और चाहिए. ठीक है, इट्स मीन आपको यहां पे लेने चाहिए 80 से 90 नंबर, आपको यहां पे लेना चाहिए 80 से 90 नंबर, आपको यहां से लेना चाहिए 50 से 60 यहां लेने चाहिए, 50 से 60 यहां लेने चाहिए, और यहाँ पे अगर 20 भी ले जाएं तो काफी है, क्योंकि 90% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो जाएंगे. ये प्रीवियस रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ पंजाब के लोगों की, जो स्पेशली विलेजेस एरिया से बिलोंग करते हैं, और वो लोग जो स्पेशली इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते,
अच्छे टीचर को ज्वाइन नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, प्रेसी के रूल्स अंडरस्टैंड नहीं करते, प्रेसी बनाते नहीं है, ऐसे लिखते नहीं है, इंग्लिश की तैयारी नहीं करते, इंग्लिश को साइड पे रखते हैं, तो जो इंग्लिश को साइड पे रखता है इंग्लिश उसको साइड से हटा देती है। आप इंग्लिश को साइड पे रखोगे इंग्लिश आपको साइड पे रख देगी, अंडरस्टैंड, जिस तरह से 90% लोगों के पास होता है। अच्छा जी, तो 20 नंबर आपके यहां से है, इधर से 20-20 नंबर इंक्रीज करें 10-10 नंबर, तो आपको चाहिए टोटल 200 मार्क्स। जब ये आप 200 नंबर ले लेंगे फिर आप रिटन में क्वालिफाई कर जाएंगे। रिटन में क्वालिफाई करने के बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है, जिसमें से आपको लेने हैं नंबर 50, 100 में से 50 मस्ट है। अगर आपके 49 आ गए इंटरव्यू में, यू विल बी कंसिडर्ड फेल, गेट आउट। तो कितने नंबर फिर आपको चाहिए जी? 200 रिटन में से और 50 आपको चाहिए इंटरव्यू में से। तो टोटल आपको क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई का मतलब है सिर्फ मेरिट लिस्ट में आने के लिए, जॉब नहीं मिलेगी 250 नंबर पे, सिर्फ आप पास हो जाएंगे, एक लिस्ट में आ जाएंगे मेरिट लिस्ट में। वो मेरिट लिस्ट के कम से कम मार्क्स के हैं 250 रिटन और इंटरव्यू के डालकर, 200 रिटन के, 50 इंटरव्यू के, कम से कम। अब सपोज दैट ADPP DDPP की वैकेंसीज है हमारे पास 50 है सपोज दैट, तो पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, एक पोस्ट के ऊपर 4 से 5 बंदों को रिटर्न में क्वालिफाई करवाता है और कहता है कि एक पोस्ट के ऊपर 4 से 5 बंदे आ जाएं जो इंटरव्यू देंगे, ठीक है जी, पॉसिबिलिटी ये होती है। और अगर आप 200 नंबर भी लेंगे तो ये जनाब आपका हो गया, सपोज दैट 250 अगर वैकेंसीज हैं, एक पोस्ट पे 5 बंदे भी हैं, तो राउंड अबाउट 250 पर्सन जो है वो पास होंगे, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कुछ फेल हो जाए। तो खैर जब आप यहां तक पहुंच गए 250 नंबर लेकर, तो फिर हो सकता है कि आपके मार्क्स हैं 250 सबसे कम, तो आप तो मेरिट लिस्ट पे सबसे नीचे हुए, मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है सपोज दैट 350 से, फिर 340, 339, 338, 337, ठीक है। और हो सकता है कि जब आपके ऊपर पहुंचे तो आपका नंबर हो 270, 270 कैंडिडेट्स आपका नंबर हो 270 रिटर्न में और जो आपका बताया गया है मेरिट लिस्ट में, और आपसे ऊपर हूं 269 लोग, 269, तो पोस्ट कितनी है आपके पास, सिर्फ 50, तो ऊपर वाले 50 लोग पिक कर लिए जाएंगे, यानी उनकी एलोकेशन हो जाएगी, उनको जॉब मिल जाएगी, बाकी ये सारे नीचे वाले जो हैं ये अपने घर चले जाएंगे। इन्होंने इतनी मेहनत की है कि ये रिटर्न भी पास है, इंटरव्यू भी पास है, लेकिन फिर भी इनको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने इनके मुकाबले में इन लोगों ने मेहनत कम की है, ठीक है। अब मेरी बात अंडरस्टैंड कर गए, आपको अब यहां पे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं हर पेपर में से, ठीक है जी। अब ये 150 नंबर का पेपर है तो आप टारगेट लगा लेंगे, मुझे यहां से हर हाल में 100 नंबर चाहिए, ठीक है। अब ये 100 नंबर का है तो 60 60 20, ठीक है, तो अब आप टोटल करें 100 में से, तो ये आपके राउंड पर फिर आप 350 को क्रॉस करते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्राइटेरिया आपको बता दिया है ताकि आपके जो आपके 14 तबक हैं वो रोशन हो जाएं और आप अपने होशो हवास में आ जाएं कि मुझे ना सिर्फ पास होना है, ठीक है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी है बाकी लोगों से, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है, कंपटीशन मतलब मुकाबला है मेरा पूरे पंजाब के साथ, मैंने सिर्फ पास नहीं होना, अगर मैं पास होया 250 नंबर लेके तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब किसको मिलेगी जो उसके 350 होंगे, जो मेरिट लिस्ट में टॉपर होंगे। इसलिए आपने मेहनत करनी है, इस पूरे लेक्चर का मकसद था कि एक को आपको अंदाजा हो जाए कि एट लीस्ट हर पेपर को पास करने के लिए मुझे 40% चाहिए, ओवरऑल रिटन पास करने के लिए 50% चाहिए, 200 नंबर चाहिए आपको 400 में से, फिर 50 इंटरव्यू में से, और फिर आपके 250 आ गए, फिर भी अगर 250 आ गए फिर भी आप मेरिट में सबसे नीचे, तो फिर मेरिट में सबसे ऊपर कैसे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेंगे, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, बार बार टेस्ट देने पड़ेंगे, जब तक टेस्ट नहीं देंगे अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा, ठीक है, टेस्ट देंगे तो मिस्टेक्स का पता चलेगा, टेस्ट देंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, सीनियर आपको बताएगा कि आपकी यहाँ पे गलती है, ये जजमेंट आपने लिखनी है, ये जजमेंट रेलिवेंट है, ये जजमेंट इररेलिवेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये रेलिवेंट जजमेंट है, ये SCMR है, ये PLD है, ये CLC है, ये आपको कौन बताएगा, सीनियर बताएगा, जिसको आप टेस्ट देंगे आपका टीचर बताएगा, ठीक है जी। तो आपको मेहनत इस लेवल की करनी है कि आपने पंजाब के लोगों को क्रॉस करना है और आपने मेरिट के ऊपर टॉप पर आना है, आपने 350 नंबर लेने हैं अगर आपने एलोकेशन लेनी है, तो अगर जॉब लेनी है।
अदरवाइज जो रिपीटर्स मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो आपको बखूबी बता सकते हैं, जो दो तीन तीन अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, कि इन्हीं वजूहात की बिना पर आज वो लोग वो जो है अपनी तीनों अटेम्प्ट्स वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो इसलिए अगर आपकी पहली अटेम्प्ट है या फिर अगर आपकी लास्ट अटेम्प्ट है तो बिल्कुल इसको सीरियस लें, अच्छे टीचर को ज्वाइन करें, बेयर एक्ट्स की रीडिंग करें विद कमेंट्री, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद टेस्ट दें, रिविजन करें बार बार और बार बार टेस्ट दें। 75 मार्क्स की आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव है, अच्छी तरह से आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप 75 में से 50-60 नंबर ले जाएंगे। और फिर आपके बच गए सब्जेक्टिव, उसके ऊपर भी अगर आपकी अच्छी ग्रिप हुई, आपने अच्छी तैयारी की हुई हुई, आपको जो जजमेंट्स हैं लेटेस्ट जजमेंट्स लैंडमार्क जजमेंट्स अगर आपकी फिंगर टिप्स पर हुई और अगर आपकी राइटिंग अच्छी हुई, इस सारे प्रोसेस में अगर आप गुजरे हुए तो गुजरेंगे कैसे, जब आप टेस्ट देंगे, जब रिवीजन करेंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, किसी को टेस्ट चेक नहीं करवाएंगे तो आप खुद अपनी असेसमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मशक बहुत ज्यादा जरूरी है। मशक का क्या मतलब होता है, बार बार प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, जितने टेस्ट ज्यादा देंगे, उतनी मिस्टेक्स आपकी कम होती जाएंगी और परफेक्शन अच्छी होती जाएगी। इसलिए मैं आपको एडवाइस ये करता हूं कि अभी भी टाइम है, कुछ दिनों बाद वैकेंसीज हो सकता है अनाउंस हो जाएं, आज के दिन से ही अपना माइंड बना लें। अगर सेल्फ तैयारी करनी है तो वो स्टार्ट कर दें, लेकिन एक एडवाइस और दूंगा, अगर आपने घर बैठ के भी सेल्फ तैयारी करनी है तो एटलीस्ट टेस्ट किसी टीचर को दें। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट खुद नहीं कर सकते, खुद करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं बाकी लोगों के साथ कैसे कंपीट कर रहा हूं, सबसे अच्छा पेपर किसका है। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ आपका अपना पेपर आपके सामने है, लेकिन जब आप टीचर को अपना पेपर सेंड करते हैं तो टीचर के पास 100 बच्चों के पेपर टीचर के पास है। टीचर को पता है इनमें सबसे में से अच्छा पेपर कौन सा है, इन पेपर में से सबसे अच्छे मार्क्स किसके हैं, इन पेपर में सबसे अच्छी राइटिंग किसकी है, इन पेपर में सबसे अच्छी लैंडमार्क जजमेंट किसने लिखी है, इन पेपर में सबसे अच्छे रेलिवेंट टॉपिक किसने प्रोड्यूस किए हैं, पेपर के अंदर सबसे अच्छा कंटेंट किसका है। ठीक है, फिर वो आपको बता सकेगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स है दूसरों के मुकाबले में, आप कैसे बेटर हैं दूसरों के मुकाबले में। इसलिए टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझें, टेस्ट आपने जरूर देने हैं, ये मैं आपको एडवाइस करता हूं। और अगर आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हमारी ऑनलाइन क्लासेस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगी, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल टेल यू द प्रोसीजर एंड आई विल गाइड यू बेटर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज का लेक्चर जो है पासिंग क्राइटेरिया के हवाले से ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से पास होना है इंडिविजुअली पेपर्स में, और टोटल कितने लेने हैं, फिर इंटरव्यू में कितने लेने हैं, और फिर मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, अगर कोई और स्टूडेंट ADPP DDPP की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये शेयर करें, ताकि उसको भी पता चले कि मुझे कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, कितने ओवरऑल चाहिए, कितने इंटरव्यू में चाहिए, और कितने मुझे चाहिए लोगों के साथ कंपीट करने के लिए, लोगों के साथ आगे मेरिट में आने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।